श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय जमुई के द्वारा एक दिवसीय नियोजन मेले का आयोजन जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। नियोजन मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलित के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा नियोजन मेले में लगाए गए अलग अलग कंपनीज और विभागों के स्टॉल्स पर भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिले के युवाओं ने जिलाधिकारी के साथ सेल्फी लेने के लिए टूट पड़े। मौके पर मौजूद सभी युवा जिलाधिकारी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार दिखे। जमुई के युवा जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह से काफी प्रेरित हैं। जिले के युवा उनको अपना यूथ आइकॉन मानते हैं। नियोजन मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए निजी कंपनीज में नियुक्ति के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नियोजन मेले में हजारों की संख्या में जमुई के युवा पहुंचकर अलग अलग कंपनीज में अपना साक्षात्कार दे रहे हैं। नियोजन मेले में निजी क्षेत्र की 26 कंपनीज ने अपनी भागीदारी दी। सभी निजी कंपनीज के द्वारा जिले के युवाओं के लिए 4623 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। रोजगार सभी लोगों को मिले इसकी दिशा में सरकार के द्वारा विभिन्न सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं क्योंकि हमारे ढेर सारे युवा साथी हैं इसलिए उनकी जानकारी के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए सरकार के द्वारा सभी विभागों में बहुत तेजी से भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है और हम लोग पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि सभी विभागों में ढेर सारे रिजल्ट निकल रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, पारदर्शिता पूर्वक परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं किसी प्रकार का विवाद नहीं है। किसी विभाग में हम देखें, चाहे पहले राजस्व विभाग में बहुत दिक्कत रहती थी कर्मचारी की, अब उसमें भी कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में आ गए हैं। ग्रामीण विकास में हम लोग देखें तो पंचायत सचिव की ढेर सारी बहाली हुई है। स्वास्थ्य विभाग में भी हम देखें तो लगभग 250 ANM की बहाली होकर के आई है, एक दो दिन में उसका भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर सभी विभागों में। इसी प्रकार से अगर हम खनन विभाग में देखें तो नए माइनिंग इंस्पेक्टर भर्ती होकर के आए हैं। ICDS में हम लोग देखें, समाहरणालय संवर्ग में देखें, लिपकी संवर्ग की ढेर सारी भर्तियाँ हुई हैं। तो सभी विभागों में एक ड्राइव चल रहा है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग में तो सतत हजारों की संख्या में भर्तियाँ होती ही रहती हैं। तो इस प्रकार से सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी विभागों में ढेर सारी भर्तियाँ निकल रही हैं। जो हमारे छात्र युवा साथी सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करें, उसकी तैयारी करें, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं हो रही हैं, आप उनमें सफलता प्राप्त करें और सरकारी सेवा में हैं। यह बात तो सरकारी सेगमेंट की रही, लेकिन यह भी सत्य है कि चूंकि सरकारी सेवा में सीटें लिमिटेड होती हैं, इसलिए और चूंकि युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए सभी लोग, चूंकि स्टैटिस्टिकल फिगर है, अगर नौकरियां मान लीजिए कि उदाहरण के लिए 5,000 हैं और भरने वाले लोग 50,000 हैं तो सभी को नहीं मिल पाएगा, तो बाकी लोगों को प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना होगा। श्रम विभाग और जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास आज किया गया और जैसा कि आप लोगों ने कार्यक्रम में देखा कि हजारों युवाओं की भीड़ श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में आई हुई है। कुल 26 कंपनियों ने अपना काउंटर लगाया हुआ है और जिनके पास कुल 4623 वैकेंसी है। तो जिस प्रकार से युवाओं की भीड़ है और वैकेंसी है, इसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज काफ़ी युवाओं को खुशखबरी मिलेगी और साथ ही युवाओं को हमने सरकार के द्वारा रोजगार के संबंध में उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न अवसरों के बारे में भी जानकारी दी है और साथ में प्राइवेट सेक्टर में अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन पर जोर दिया है और इसके संबंध में जो भी योजनाएँ हैं, जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, इनके बारे में युवाओं को विस्तारपूर्वक बताया गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह देखा गया है, निश्चित रूप से इस नियोजन मेले का लाभ आज जमुई के युवाओं को प्राप्त होगा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर